नमस्कार, मैं आपके साथ सुमन मान न्यूज 21 पर स्वागत है आपका। खबर दिन भर में रुक करते हैं आज की खबरों का। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां क्षेत्र के गांवों में अवैध रूप से सफेद सोने का काला कारोबार जारी है। खनन विभाग व स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत के चलते नणाऊ मंदरपुरा नीमला थिराना खुइया सुरजनसर देवासर धानसिया गांव के इन अवैध जिप्सम का चोरी छिपे काला कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। खनन विभाग द्वारा कई जगह पर तो लीज अनुमति से खनन हो रहा है, परंतु अधिकतर जगहों पर बिना लीज के ही अवैध जिप्सम की कालाबाजारी हो रही है। धानसिया नोहर सड़क मार्ग पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में ओवरलोडेड ट्रोले जिप्सम लदे देखे जा सकते हैं, जिनमें से जिप्सम खुला सड़कों पर उड़ता रहता है। टोले चालक जिप्सम को बिना ढके ही सड़क पर परिवहन करते हैं, जिसके कारण साइड से गुजरने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अवैध रूप से जिप्सम का कारोबार करने वालों का ना तो पुलिस विभाग का कोई खौफ है और ना ही खनन विभाग इन माफियाओं पर कोई कार्यवाही कर रहा है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। जहाजपुर नगर पालिका ने मंगलवार 2 जुलाई को साधारण सभा की बैठक बुलाई है। मीटिंग में क्षेत्र के विकास व सौंदर्यीकरण भूखंडों कॉम्प्लेक्स में दुकानों की नीलामी डिवाइडर कम्युनिटी हॉल निर्माण कर्मचारियों के नियमितीकरण तह बाजारी व बस शुल्क दरें बढ़ाने सहित अन्य एजेंडों पर अहम फैसले लिए जाएंगे। जहाजपुर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राघव मीणा ने बताया कि नगर पालिका मंडल की साधारण सभा की बैठक 2 जुलाई को पालिका कार्यालय सभा भवन में नगर पालिका चेयरमैन नरेश सिंह मीणा की अध्यक्षता में प्रातः 11:15 पर शुरू की जाएगी। बैठक में भवर कला तालाब की पाल के विकास व सौंदर्यीकरण ट्रैक्टर ट्रॉली जेसीबी व शवयान क्रय करने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण नगर पालिका क्षेत्र में अन्य विकास व निर्माण कार्यों के एजेंडे पर बैठक में चर्चा की जानी प्रस्तावित है। जहाजपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के नोहर क्षेत्र से है, जहां गांव टोपरिया में गर्मी की छुट्टी के बाद आज सोमवार को राजकीय और निजी राजकीय विद्यालय बच्चों का आगमन शुरू हो गया है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टोपरिया में प्रथम शैक्षणिक दिवस पर नवीन प्रवेश विद्यार्थियों का माला व तिलक लगाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर विद्यालय संस्था प्रधान सीमा शर्मा ने विद्यार्थियों को राजकीय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रेरित किया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मशहूर टाइगर रिजर्व रणथंभौर नेशनल पार्क 4 माह के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब अक्टूबर के महीने में रणथंभौर टाइगर रिजर्व दोबारा खुलेगा। जून से लेकर सितंबर तक वन्य जीव प्रेमी बाघों की अटखेलियां नहीं देख सकेंगे। जोन नंबर 1 से 5 तक इस दौरान बंद रहते हैं, वहीं जोन 6 से 10 में इन 4 महीनों में पर्यटक घूम सकते हैं। इस दौरान होटल्स में मरम्मत और रंग रोगन का काम भी चलता है। हर वर्ष बरसाती मौसम के चलते रणथंभौर नेशनल पार्क के 5 जोन को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। सफारी के कच्चे रास्ते बरसात के चलते कट जाते हैं, ऐसे में पर्यटकों के साथ अनहोनी घटना होने का अंदेशा बना रहता है। वन्य जीव विशेषज्ञों की माने तो बारिश के मौसम में टाइगर प्रजनन करते हैं, ऐसे में उनकी प्राइवेसी के चलते सैनानियों की आवाजाही रोक दी जाती है। सफारी का नया सत्र 1 अक्टूबर को शुरू होगा। उस समय रणथंभौर जल सफारी के लिए आने वाले मेहमानों का राजस्थानी संस्कृति के अनुसार माला साफा पहनाकर व तिलक लगाकर स्वागत किया जाता है। इस दौरान पर्यटन विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। सवाई माधोपुर से लोकेश टटवाल की रिपोर्ट। देश में लागू हुए कानून को लेकर टोंक जिले के बनेठा थाना क्षेत्र अटल सेवा केंद्र पर वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पुलिस अधिकारियों सीएलजी सदस्यों सुरक्षा सखियों पुलिस मित्रों की वर्चुअल बैठक ली। बैठक में बनेठा थाना अधिकारी रामगिलास गुजर ने कहा कि आपराधिक न्यायालय प्रणाली में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू होंगे, कई बदलाव दिखेंगे। मुख्यमंत्री की वीसी का मकसद आम जन को लागू हुए कानून के बारे में अधिकाधिक जागरूक करने का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना है। टॉक से राजेश सेन की रिपोर्ट। जोधपुर के रायकाबाग रेलवे स्टेशन का नाम सुधारने की मांग को लेकर सोमवार को हजारों की संख्या में देवासी समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदेश भर से हजारों की संख्या में आए समाज के लोग मेडिकल चौराहे पर जमा हुए, जहां से
सभी लोग विरोध रैली के रूप में 12वीं रोड, 5वीं रोड, जालोरी गेट, नई सड़क होते हुए रायकाबाग रेलवे स्टेशन व कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। यहां स्टेशन का नाम रायकाबाग ही रखने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। हाल में रेलवे की ओर से जोधपुर के रायका रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन कर उसे रायकाबाग कर दिया गया है। इसको लेकर देवासी समाज अपना विरोध जता रहा है। इसको लेकर समाज को पदाधिकारियों द्वारा व केंद्र राज्य सरकार के कई मंत्री व अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होने पर समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। खबर श्री गंगानगर जिले के पनीवाली क्षेत्र से है, जहाँ एडवोकेट खेतपाल सिंह की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। दिवंगत सिहाग की 8वीं पुण्यतिथि पर ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। महज 2 घंटे के शिविर में लगभग 35 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है। सिहाग के सुपुत्र एवं अभियोजन अधिकारी कुलदीप सिहाग और एडवोकेट प्रदीप सिहाग के द्वारा हर वर्ष ये आयोजन किया जाता है। इस साल एडवोकेट खेतपाल सिहाग स्मृति प्रन्यास के द्वारा तपोवन ब्लड बैंक श्री गंगानगर के सहयोग से श्री ठाकुर जी मंदिर पन्नीवाली जाटान सादुल शहर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। श्री गंगानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले के खंडार क्षेत्र में विकास अधिकारी संघ द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल पंचायत समिति के विकास अधिकारी यानी BDO के साथ फील्ड में कार्य करते हुए कुछ लोगों ने मारपीट की थी। इस मामले में 11 जून को खंडार थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था, लेकिन अब तक पुलिस ने मामले में कोई कार्यवाही करते हुए गंभीरता नहीं दिखाई है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इस बात का विरोध जताते हुए पंचायत समिति विकास अधिकारी संघ के सदस्य कार्य का बहिष्कार जता रहे हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस राजनीतिक मिलीभगत के चलते टाल मटोल का रवैया अपना रही है। ऐसे में लगातार 21 दिन से ब्लॉक स्तर पर धरना जारी है। कई बार जिला प्रशासन को मामले से अवगत कराकर ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अब संघर्ष समिति प्रदेश स्तर पर कदम उठाने जा रही है। विकास अधिकारी जितेंद्र शर्मा के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सवाई माधोपुर से लोकेश टटवाल की रिपोर्ट। जैसे ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र कुमार शर्मा खंडार के साथ 10 तारीख को मारपीट हुई थी। 11 तारीख को हमने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और CO साहब के मार्फत ज्ञापन दे दिया था। फिर 14 तारीख को तीनों के नाम ज्ञापन दे दिया। अब 21 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आज का ज्ञापन ग्राम विकास अधिकारी संघ प्रदेश लेवल का ज्ञापन है। इसमें उन्होंने 3 दिन का काम दिया था, फिर भी मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं होती तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले के गांव रामपुरा तहसील टिब्बी निवासी शहीद मेजर विकास भांबू को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। 5 जुलाई को भारत के राष्ट्रपति द्वारा शहीद के परिजनों को शौर्य चक्र सम्मान प्रदान किया जाएगा। शहीद मेजर विकास भांबू भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देते हुए 21 अक्टूबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश में शहीद हो गए थे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ एवं सैन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस समारोह में शहीद मेजर विकास भांबू के पिता श्री भागीरथ भांबू, माता श्रीमती सुखवंती देवी, शहीद की पत्नी श्रीमती श्रेया चौधरी आदि उपस्थित होकर उक्त सम्मान को ग्रहण करेंगे। शहीद के परिजनों को 4 जुलाई को वार मेमोरियल इंडिया गेट पर आर्मी चीफ के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। महज 32 वर्ष की अल्प आयु में मेजर विकास ने शहादत का नया अफसाना लिख दिया, जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। मेजर विकास भांबू की शहादत से हनुमानगढ़ जिले टिब्बी तहसील और उनके पैतृक गांव रामपुरा का सिर फक्र से ऊंचा हो गया है। हनुमानगढ़ से सुनील कुमार की रिपोर्ट। लंबे समय से हम सुनते आ रहे थे कि आखिर अंग्रेजों के जमाने के कानून कब खत्म होंगे। आखिरकार सोमवार को देशवासियों को इस सवाल का जवाब मिल गया, जब देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए। माना जा रहा है कि 3 नए कानूनों के लागू होने से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव आने के आसार है। पूरे देश में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बदले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। राजस्थान के DGP UR साहू ने
इन कानूनों को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। भारतीय संसद द्वारा बनाए गए तीनों नए क्रिमिनल लॉज आज से पूरे देश भर में प्रभावी हो रहे हैं। 1860 में बने इंडियन पेनल कोड, 1872 में बने इंडियन एविडेंस एक्ट और 1898 में बने CRPC जो बाद में 1973 में संशोधित भी हुआ था। इन तीनों कानून के जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से प्रभावी हो रहे हैं। इन तीनों नए कानून को लागू करने के लिए राजस्थान पुलिस ने व्यापक स्तर पर पुलिस चौकी से लेकर पुलिस मुख्यालय के स्तर पर सभी अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण सभी को दिया गया है। समय समय पर अलग अलग कार्यशालाएं आयोजित की गई है। सभी लोगों को इस नए कानून के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की प्रयास की गई है और हमें उम्मीद है कि राजस्थान पुलिस आज की तारीख आज से इन तीन नए कानूनों को अच्छी तरह से लागू करने में सक्षम है और तैयार है। इन तीनों नए कानून में पहले तीनों कानून दंड के आधार पर बनाए गए थे, लेकिन ये अभी के तीनों नए कानून न्याय के सिद्धांत के ऊपर बनाए गए हैं, जिसमें डिजिटल साक्ष्य का को महत्व दिया गया है, जिसमें महिलाएं और बच्चों पर अत्याचार के मामलों को ध्यान में रखते हुए नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जिनमें सीनियर सिटीजन और अन्य कमजोर वर्ग को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार के कई प्रावधान किए गए हैं। न्याय कानूनों का अपराधों का अदालतों में विचारण के लिए भी अलग प्रकार के समय सीमा, अनुसंधान में भी और ट्रायल के लिए भी अलग अलग समय सीमा निर्धारण किए गए हैं। तो हमें उम्मीद है, आशा है कि इस कानून को हम राज्य में अच्छी तरीके से जिस मंशा से संसद द्वारा इसको पारित किया गया है उस मंशा के अनुरूप हम आगे व्यवस्था को बना पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। सवाई माधोपुर जिले के बोली क्षेत्र में गलत खातेदारी की वजह से विवाद का नया मामला सामने आया है। मांगरोल गांव के सीताराम जी के मंदिर की सेवा पूजा करने वाले पुजारी ग्राम कोलड़ा की खसरा नंबर 3416 लगभग 2 बीघा जमीन राजस्व विभाग के सेटलमेंट की वजह से सरकारी रिकॉर्ड में किसी दूसरे पक्ष के नाम चढ़ा दी गई है। गलत खातेदारी के कारण दो पक्षों में विवाद उपज गया है। ऐसे में दोनों पक्षों में जमीन को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। पुजारी का कहना है कि यह भूमि मंदिर कास्ट की भूमि है, ऐसे में जबरदस्ती भूरिया इस जमीन पर कब्जा कर रहा है। जब जमीन पर ग्रामीण जाते हैं तो झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर डराया जाता है। रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते पूरा मामला सामने आया है। मांगरोल गांव के ग्रामीणों ने सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर को उचित कार्यवाही करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। सवाई माधोपुर से लोकेश टटवाल की रिपोर्ट। किससे मिला? ग्रामवासी ग्राम मांगरोल बोली स्टेशन से आए हुए हैं जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। क्या मामला है? हमारी जमीन का कोई मामला था जो प्रशासन की और अधिकारियों की गलती के कारण सेटलमेंट में कुछ गड़बड़ी हुई है और नंबर एक्सचेंज होने के कारण जो जमीन मंदिर के नाम थी, जो मंदिर के पुजारी जो कास्ट करता था उस पर एक भैरवा समाज का व्यक्ति है सरस्वती वाइफ प्रकाश चंद भैरवा, उसने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था उस पर और समस्त ग्रामवासियों के ऊपर केस करके मुकदमे में फंसा दिया 5 व्यक्तियों को और उसके लेडीज से धमकी दिलाता है कि अगर मेरे सामने कोई आएगा तो मैं STSC या फिर बलात्कार का केस लगवा। इस प्रकार की घटनाएं वो उत्पन्न करता है। डीग जिले में मानसून की शुरुआत अच्छी हुई है। लगातार हो रही बारिश के बाद जिला कलेक्टर डीग श्रुति भारद्वाज ने शहर में मौके पर जाकर साफ सफाई और जल भराव का जायजा लिया है। कलेक्टर साहिबा ने नगर परिषद डीग का भी निरीक्षण किया। कार्यों में लापरवाही बरतने पर एवं अनियमितता पाए जाने पर उपखंड अधिकारी डीग रवि गोयल को निर्देशित कर नगर परिषद आयुक्त मनोज मीणा को चार्जशीट देने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। नगर परिषद में कंट्रोल रूम असक्रिय मिलने पर DM ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने तत्काल कंट्रोल रूम को संचालित करने एवं वर्षा काल में सूचना तंत्र को और अधिक सुदृढ़ मजबूत करने को कहा।
ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। भराव वाले स्थानों से पानी की निकासी के लिए आवश्यक मोटर पंपों की व्यवस्था और आवश्यक दवाइयों की पूर्ति के इंतजाम सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। डीक से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खबर दिन भर में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज 21। धन्यवाद।